हेलो क्लास बच्चों, इतिहास में जो हम चैप्टर ले रहे हैं वन्य समाज उपनिवेशवाद, उसमें हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से जो यूरोपीय लोग थे जिन्होंने उपनिवेश बनाए वो अपने जरूरतों के हिसाब से जो है कार्य कर रहे थे, और उन्होंने अपने देश में पूर्ति करने के लिए जो वहां की मांग थी, चाय, कॉफी, रबर, तो इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इनके क्या बनाए, बागान बनाए। ठीक है, तो बागान जब बनाए गए तो बागान बनाने के लिए भी जगह चाहिए। उस समय क्या है कि इनकी नजर में वनों का कोई महत्व तो नहीं था। ठीक है, वनों को ये इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, तो इन्होंने क्या किया कि जो प्राकृतिक रूप से वन थे उनका एक हिस्सा साफ करके और वहां पे बागानों को विकसित किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, औपनिवेशिक सरकार ने जो जंगल थे उनको पहले तो कब्जे में ले लिया अपने। ठीक है, और कब्जे में लेने के बाद इनको सस्ती कीमत पर, सस्ती दरों पर जो यूरोपीय बागान के मालिक थे, जो बागान विकसित करेंगे वहां पर, ठीक है, उनको सस्ते में बेच दिया। और उन बागान मालिकों ने क्या किया, फिर वहां पर बाड़ा बंदी कर दी उस जगह को, अब मतलब कोई वहां नहीं जा सकता, और जंगल का वो हिस्सा साफ करके और उसको बागान के लिए तैयार कर लिया, और वहां पर फिर चाय कॉफी रबर की जो है वो खेती की जाने लगी। तो इसमें क्या कर दिया उन्होंने, एक बाड़ा बंदी तो हो ही गई थी, तो वहां पे सामान्य व्यक्ति जा नहीं सकते थे, केवल जिनको वहां पर रोजगार के लिए रखा जाता था उनको ही वहां पर जाते थे। तो ये जो हुआ उसके लिए जो व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत थी, मतलब व्यवसाय आ गया इसमें अब, ठीक है, बिजनेस हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया, औपनिवेशिक सरकार ने जर्मन एक विशेषज्ञ थे डायट्रिश बेंड्रिस को बुलाया कि इस तरह से जो मांग बढ़ती जा रही है तो जंगलों को लिए कैसे, मतलब उनकी वो राय लेना चाहते थे कैसे काम किया जाए। तो डायट्रिश बेंड्रिस जब आए तो उन्होंने ये महसूस किया कि अच्छा, इनको क्या है, पहला वन महानिदेशक बना दिया गया था, तो इन्होंने ये महसूस किया कि कानूनी मंजूरी तो लेनी ही पड़ेगी और लोगों को जो है संरक्षण विज्ञान में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मतलब वनों का, क्योंकि अब ये देखा गया ना कि जब ये बागानों के लिए वनों का साफ किया जा रहा है या किसी अन्य खेती के लिए वनों का साफ किया जा रहा है तो वन तो खत्म होते जा रहे हैं। अब इनको जो अपने वहां की सेना के लिए, शाही सेना के लिए जहाज बनाने या किसी और जरूरत के लिए इनको लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी तो धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होती जा रही है। तो इसके लिए उन्होंने जर्मन विशेषज्ञ को बुलाया इनकी राय जानने के लिए, तो इन्होंने कहा लोगों को एक तो इसके विज्ञान के लिए संरक्षित जो है उसके लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा, एक व्यवस्थित मतलब व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तंत्र बनाना पड़ेगा जिसमें कुछ नियम कानून होंगे, ठीक है, सरकार की मंजूरी ली जाएगी, कानून नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा, ठीक है, और वहां पर जो भी गतिविधियां अभी तक हो रही थी, जैसे गांव के लोग जो है वहां से अपने उपयोग के लिए लकड़ियां या चारा या जो भी चीजें कंदमूल फल सब्जियां ले जा रहे थे, तो इनकी गतिविधियों पर रोक लगेगी, कोई भी वहां नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से इन्होंने जो है कई तरह के जो वहां पर नियम कानून के तहत कई अधिनियम बनाए, और इन्होंने एक तय किया वैज्ञानिक वानिकी। वैज्ञानिक वानिकी एक प्रकार होता है जिसमें जंगल जो होते हैं उनमें एक ही तरह के जो प्रजाति के एक ही किस्म के पेड़ों को लगाया जाता है, बाकी सबको साफ कर दिया जाता है। तो वैज्ञानिक वानिकी में एक ही किस्म के जो हैं वो, ये जैसे अपन बागानों में देखते हैं एक ही किस्म के जो पेड़ जो है वो लगे होते हैं, सीधी पंक्ति में उनको लगाया जाता है। तो इससे क्या है कि विभिन्न प्रजातियों के जो नस्ल के जो फल फूल वाले लकड़ी वाले जो वृक्ष थे उन सबको हटा दिया गया और एक ही टाइप के जो है उनकी खेती यहाँ पर की जाने लगी। अब इसमें क्या हुआ कि वन अधिनियम जो बनाया गया उस वन अधिनियम बाद में समय को जो है संशोधन भी किया गया और तीन श्रेणियों के वन बनाए गए, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। तो जो आरक्षित थे मतलब जहां पे सुरक्षा रखी जाती थी कि कोई भी व्यक्ति वहां पर ना आ सके, ग्रामीण लोगों का तो प्रवेश निषेध था ही, वो वहां अपने घरों के लिए अपने ईंधन के लिए वहां नहीं जा सकते थे, तो ये पूरी तरह से आरक्षित थे। सुरक्षित और ग्रामीण जो थे यहाँ पे जो ग्रामीण लोग है वो जाकर के अपनी जरूरत की चीजें ले लिया करते थे। तो ये जो अधिनियम बनाया गया या ये जो इन्होंने एक ही किस्म की वैज्ञानिक जो वानिकी का कार्यक्रम चलाया उसका लोग कैसे प्रभावित हुए, उसका लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो
ग्रामीणों का विचार तो ये था कि भाई ऐसे एक ही किस्म के नहीं होने चाहिए पेड़ पौधे, क्योंकि विभिन्न प्रजातियों का होना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि वो जंगलों से फल फूल है, ईंधन की लकड़ी है, ठीक है, पत्ते हैं, सब्जियां हैं, ये सब जो है वो इकट्ठा किया करते थे। तो ईंधन, चारा, पत्ते विभिन्न प्रजाति के इनको वहां से मिल जाते थे। अगर एक ही किस्म के काम होगा तो फिर इनको वहां पर परेशानी हो सकती है। परंतु वन विभाग तो क्या चाहता था कि एक ही किस्म के वहां पर पेड़ लगाए जाए जो उनको अपने देश में जरूरत थी। समझ रहे हो आप लोग, जहाज बनाने के लिए, किसी अन्य काम के लिए, इसके लिए उनको एक तो कठोर लकड़ी चाहिए थी, और लकड़ी वैसी जो बिल्कुल सीधी हो सख्त। इन्होंने क्या किया, साल और सागौन, तो रेलवे के निर्माण के लिए भी उनको लकड़ियां चाहिए, जब अपन स्लीपर की बात की थी पहले, और जहाजों के लिए भी इनको ऐसी लकड़ी चाहिए जो सख्त हो। तो बाकी उनके लिए महत्वपूर्ण थे नहीं, जबकि बाकी पेड़ जो है ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण थे, गांव वालों के लिए। तो वन इलाके के जो लोग थे अपनी जरूरतों के लिए, जैसे कंदमूल है, जड़ी बूटियां हैं, फल हैं, पत्ते हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, तो इनके लिए कंदमूल एक पोषक, एक खाद्य पदार्थ के रूप में थे जिससे इनका जीवन जो है चलता था। फिर विभिन्न औषधियों के रूप में जड़ी बूटियों का ये प्रयोग करते थे दवा के रूप में, तो इनको औषधियां भी चाहिए थी। फिर लकड़ी से इनके खेती के औजार बनते थे, कई हथियार भी जो है बनाए जाते थे इनके लिए लकड़ी को। दूसरी तरह की लकड़ी भी चाहिए थी जिसको के मोल्ड किया जा सके, इससे की कोई चीजें बनाई जा सके। बांस, बांस का आपको मालूम ही है, बांस का प्रयोग जो है इनके गांव में कई कामों में आता था, बाड़ बनानी है, मेड़ बनानी है, उसके लिए काम आता था, छतरी बनानी है, टोकरी बनानी है, तो बांस उसमें इनके काम आता था। फिर यहाँ पे एक जिक्र आया कुमड़ा, जो होता है ना कद्दू होता है, उस कुमड़े का खोले पानी के लिए भी काम में लिया करते थे। मतलब हर चीज का इन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिए एक उपयोग कर रखा था। फिर आपने देखा होगा पत्ते, पत्ते जोड़ जोड़ के, ये दोने पत्तल, कभी आपने देखे होंगे दोने पत्तल, उसमें पत्तों को जोड़ा जाता है, तो ये भी इनका क्या था, जीविका का साधन था, पत्तल दोने बनाते थे इसमें, तो ये भी इनकी एक आय का जरिया था। महुआ एक होता है, उस महुआ के बीच से तेल निकाला करते थे, रोशनी के लिए भी, खाना बनाने के लिए, या किसी अन्य काम के लिए जो है इसको काम में लिया करते थे। तेल के लिए महुआ, मतलब महुए से रोशनी के लिए जो तेल बनाया जाता है उसको इसमें निकाला जाता था। फिर विभिन्न प्रकार की लताएं होती है जंगल में, तो बहुत किस्म होती है, तो झाड़ियां होती है, लताएं होती है, लताओं से रस्सी बनाई जाती थी, उस रस्सी का उपयोग भी काम करते थे। फिर कुछ में नाम दिया है कि भाई सोम से अमूर की छाल होती थी, उसे वो सब्जियों को छीला करते थे। तो एक तरह से कहें तो सभी चीजें जो है इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब इन वन अधिनियम बनने से क्या हो गया, उनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ गई। एक तो इजीली वो जंगलों में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके वहां पर रोक लगा दी गई, अगर वो प्रवेश कर ले तो उनको फिर वहां से जो है सजा दी जाती थी, या उनके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाती थी। तो इनको अपना जीवन यापन तो चला नहीं था, क्या करें, तो इनके पास एक ही हल था कि हम किसी तरह से लकड़ी को चुराए। लकड़ी चुराते तो कई बार फिर क्या है कि उनको पुलिस को या वहां का जो चौकीदार था उसको कुछ घूस देनी पड़ती थी, रिश्वत देनी पड़ती थी, और पुलिस इनका तो भी डर बना हुआ था, कभी भी इनको जो है वो पकड़ सकते थे, तो ये इनको तंग भी करते थे, पुलिस से चौकीदारों के द्वारा इनको तंग भी किया जाता था। तो इस तरह से जो है इनका जीवन यापन, सारे जीविका की जो आय का जो जरिया था जंगल ही थे, जंगल इन्होंने क्या कर दिया, अपने फायदे के लिए जो है बना लिए थे। तो जान जो है ग्रामीण लोग जो है इनको यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। अब इसे तेंदू का पत्ता होता है, अब तेंदू का पत्ता होता है उसको पत्ते